अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दो खबरें हैं जी, एक तो है कल जख्म जनवरी के हवाले से, और दूसरी जो है बड़ी खबर वो है जो पकड़ दकड़ जा रही है। बहुत सारी जगहों पर कुछ कमर्शियल जो स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पर रेड किया गया और काफ़ी तादाद में लोगों को पकड़ा। उसका मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन है। कल जख्म जनवरी 2023 को इतवार वाले दिन बैंक मस्कत जो है वो बंद रहेगा फिजिकली, यानी आप बैंक में जाके कोई काम नहीं करवा सकेंगे। ऑनलाइन सारी सर्विसेज चलती रहेंगी, POS, ATM, CDM, बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेबशॉप, हर चीज़ चलेगी, सारे फीचर ऑन रहेंगे। सिर्फ इन ब्रांच जाके यानी ब्रांच में जाके जो है जो काम शाम होते हैं वो नहीं होंगे, तो आपने जहन में रखना है, क्योंकि न्यू ईयर पुराना जो साल है वो क्लोज होता है, न्यू ईयर ओपनिंग, तो इसलिए आहो। और दूसरा क्या है कि बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बड़का में बहुत सारे स्टोर्स के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर होती हैं वहाँ पर रेड की गई मिनिस्ट्रीज की जानब से, और लोगों को, वर्कर्स को जो पकड़ा, वो किन को पकड़ा है भैया? वो लोग हैं जिनके एक्सपायरी या जो मिनी मिनी वाले लोग, ठीक है, या टाइम पे रिन्यूअल नहीं, और ओवरऑल यानी जिनके वीज़े एक्सपायर थे, या जो सेम वीज़ा पे काम नहीं कर रहे थे, सेम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, या उन जॉब्स के ऊपर काम कर रहे थे जो सिर्फ। तो कोशिश करें जहाँ पर भी हैं आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, और जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, और जो भी आपका स्पॉन्सर है उसको भी पता होना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि वो आपके पीछे आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वीज़ा नया शया जो लेने वाले हैं वो इस चीज़ को जहन में रखें कि आपने वीज़ा लेते वक्त ही ये चीज़ें डिसाइड कर लेनी है, ये बातें कर लेनी है कि कल कलां, यानी जो आज़ाद वीज़े वाले हैं उनके लिए, कि कल कलां अगर कोई मसला मसाइल होता है तो अरबाब जो है उसको ढूंढना पड़ेगा या फिर वो खुद ही सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो लाइफ में जहाँ पर बंदा और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी चाहता है करता है, उसी तरह इन मामलों में भी देखा करें भैया, प्लीज़। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।